सत्ता के मद में मंत्री अमरजीत भगत बौरा गए हैं। प्रदेश की जनता के प्रति अपने राजधर्म और कर्तव्य को वो पूरी तरह भूल चुके हैं। अमरजीत भगत जी, धर्मांतरण की आग में पूरा बस्तर जल रहा है। बेमेतरा में हिंसक घटना के बाद बिरनपुर गांव सुलगता नजर आ रहा है। बिरनपुर में युवक की हत्या के विरोध में वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। बिरनपुर गांव इस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वही घटना पर प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि घटना बड़ी नहीं है, बंद का आह्वान करके लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ बंद बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है कि क्योंकि कहाँ का घटना है, जहाँ का है वहाँ बंद करिए, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। पूरा प्रदेश के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बंद करके जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं है। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ, रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज एक तो महंगाई का मार है, जीएसटी का मार है, पूरा उद्योग धंधा बंद है। ऐसे में संघर्ष करें और किसी का दुकान बंद करवा देंगे, बाजार बंद करवा देंगे तो उनका काम धाम सब बंद हो जाता है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने तंज कसते हुए कहा कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अमरजीत भगत का बयान निंदनीय है। आतताइयों के हमले से एक परिवार का चिराग बुझ जाता है और प्रभारी मंत्री को ये छोटी घटना लगती है। वीरनपुर गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उस घटना के संबंध में प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत ने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय है। आतताइयों के हमले में एक परिवार का चिराग बुझ जाता है, उस परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाती है और प्रदेश के मंत्री को ये छोटी घटना प्रतीत होती है। सत्ता के मद में मंत्री अमरजीत भगत बौरा गए हैं। प्रदेश की जनता के प्रति अपने राजधर्म और कर्तव्य को वो पूरी तरह भूल चुके हैं। अमरजीत भगत जी, धर्मांतरण की आग में पूरा बस्तर जल रहा है। नारायणपुर और फिर उसके बाद जगदलपुर में मूल आदिवासियों के साथ ये मतांतरित लोग हमला करते हैं, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, उस समय आप चुप रहते हैं। कवर्धा में ही ये दंगाई लोग मिलकर पवित्र भगवा ध्वज का अपमान करते हैं, तब आपके मुंह में दही जमा रहता है। आपके ही अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या कब्जा कर उस स्थल को अपवित्र करते हैं, तब भी आप चुप रहते हैं। परंतु जब बीरनपुर में एक समाज विशेष के द्वारा संगठित होकर बहुसंख्यक वर्ग के घर में घुसकर हमला किया जाता है और एक नवयुवक को सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है, तब आप कहते हैं कि ये छोटी घटना है। मंत्री जी, आप इस प्रदेश के बहुसंख्यक वर्ग का अपमान कर रहे हैं और जनता इस बात को कभी भूलेगी नहीं। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल को एक बच्चे से मारपीट की घटना सामने आई थी। इसके बाद दो पक्षों में झड़प हो गई। इस झड़प में 22 साल के एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया था। इस हमले में पुलिस जवान भी घायल हुए हैं, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेमेतरा से सतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।